like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I finally... Hello, dosto, swagat hai aapka SS Fiberglass and Fabrication Works pe. मैं मुरली सिंह आपका स्वागत करता हूं, और आप जो देख रहे हैं आज इस शेड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और स्क्रू लगा रहे हैं शीट के ऊपर। 25x25 का शेड है, 50 फीट हाइट है, आप देख सकते हैं 50 फीट हाइट पे ये शेड लगा रहे हैं हम। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू कैसे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें तो आपको पता चलेगा कि सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू प्रोफाइल शीट के ऊपर कैसे लगाए जाते हैं। इस शेड के स्ट्रक्चर की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आधी शीटों पे स्क्रू लग चुके हैं, और मैं आपको स्क्रू दिखाना चाहूँगा। ये वाला स्क्रू है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। ये स्क्रू लगाने का आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देख सकते हैं स्क्रू लगे हुए हैं, और ये हमारी ड्रिल मशीन, नॉर्मल ड्रिल मशीन है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि पाइप कहाँ पे है, तो ड्रिल मशीन से ही ठोक के चेक करते हैं। और ये आप देख सकते हैं स्क्रू, अगर आइडिया गलत होगा तो जैसे ही स्क्रू गलत लग गया है वैसे हो जाएगा, तो पूरा ध्यान दें इस बात पे। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले चेक करना होता है कि पाइप कहाँ पे है। हमें यहाँ से पाइप दिखाई तो देती नहीं, तो इसलिए ड्रिल मशीन को नीचे टच करके चेक करना होता है कि यहाँ पे पाइप है, इससे आइडिया हो जाता है। और ये स्क्रू बिल्कुल सही गया और ये लग गया स्क्रू। ऐसे ही हम आगे भी स्क्रू लगाएंगे। ऊपर वाली नाली पे स्क्रू लगाना है, नीचे स्क्रू नहीं लगाना जहाँ पे पैर रखे हुए हैं। यहाँ पे क्योंकि डबल शीट हो गई है, ये आप देख सकते हैं लास्ट एंड है, तो इसलिए सभी नालियों के ऊपर स्क्रू लगेंगे। तो यहाँ पे ड्रिल मशीन को नीचे ठोक ठोक के चेक करना होता है कि यहाँ पे पाइप है या नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू कैसे लगाए जाते हैं। अभी ये शीट के इस साइड में पूरे स्क्रू लगने बाकी है, और इधर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रू लग चुके हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू प्रोफाइल शीट के ऊपर कैसे लगाए जाते हैं।
फिर भी आपको अगर ना समझ आया हो कोई चीज़ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर रविवार को मैं YouTube पे लाइव आता हूं रात को 9 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारे लाइव पे आके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ये शीट स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे चढ़ाई वीडियो के एंड में दिया है, अगर आपको देखना है तो आगे देखें वरना वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। My mind is breathing in. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life. I'm finally facing it all.
burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude.